बहराइच भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने 2,10,00,000 रुपए की अवैध चरस, 6 मोबाइल फोन, 10,300, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल और एक सोने की तीन तोले चेन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों पर 8/20 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें न्यायालय रवाना कर दिया। पुलिस चारों अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि साथ ही साथ इन तस्करों की जड़ों को भी खंगाला जा रहा है ताकि मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। महोदय शासन द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में बेड़िया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर ये कुछ लोग यहाँ बेड़िया में चरस लेकर के आए थे। उनको बस स्टैंड के पास एक प्रभारी निरीक्षक बेड़िया उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम रेशम खटगा, रिजवान, वसीम खां और दल बहादुर शाही है। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा इनके पास से कुछ नगद नेपाली मुद्रा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक अपाचे साइकिल भी बरामद हुई है।